अरे कि पिछले हफ्ते को मैं जा रहा था, स्टंट कर रहा था विलिंग में, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और काफी बुरी तरीके से मारा भी है। कहते ये कानूनी तौर पे जुर्म है और इस चीज को हम भी मानते हैं कि ये कानूनी तौर पे जुर्म है, पर क्या करें, शौक है, शौक ऐसे रोक थोड़ी सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं स्टंट मैन विलिंग करता हूँ। पहले मुश्किल होती थी, अब नहीं, क्योंकि मुझे तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं मैं स्टंट ये विलिंग वगैरह कर रहा हूँ। पहले मुझे बहुत सारी दिक्कत होती थी, अब नहीं होती। ये मेरे कुछ दोस्त हैं मोहल्ले में विलिंग वगैरह स्टंट करते हैं, तो उनको देख देख के मुझे स्टंट ये शौक आया। और मेरे दोस्त काफ़ी सारे कहते हैं यार आप डिसेबल हो, आप विलिंग वगैरह ना किया करो, अच्छा नहीं होता। तो मुझे ही शौक था, मैंने ये स्टंट मैंने बनना था, मुझे विलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने इंशाल्लाह मैंने एक साइकिल ली थी, तो उस पर ये ट्रेनिंग कर ली और अब अच्छी गेम कर लेता हूँ, अच्छी विलिंग कर लेता। जी, ये तो गलत तो है, ये कानूनी तौर पे एक जुर्म है जो कि हम स्टंट वगैरह विलिंग करते, इससे दूसरों को भी खतरा होता है। मतलब पुलिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमें रोकते भी हैं, रोक टोक करते हैं, पकड़ते भी हैं। जी ये मुझे करंट लग गया था, छत पे खड़ा हुआ तो बड़ी तार टूट के गिर गई थी, तो उसकी वजह से मेरा पाँव डैमेज हो गया और दोनों पाँव भी। मैंने फ्यूचर इसमें ये देखा है कि मैं आज तक मैंने डिसेबल इंसान जो भी है पाकिस्तान का, कोई भी मैंने या फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर या कोई रेसलर नहीं देखा। तो मैं स्टंटमैन होके ये बनना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पूरे लेवल में जाऊँ और पाकिस्तान का पूरे बाहर के मुल्कों में नाम रोशन करूँ। कोई डिसेबल कोई भी नहीं है ना, तो मैं डिसेबल इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं डिसेबल हूँ, और मैं व्हीलर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ कि बाहर के मुल्कों में। तो गलत बात नहीं है, जो कि हम डिसेबल हैं इस चीज़ को मानते हैं, हम डिसेबल हैं। अब ये कोई इंसान हमें नॉर्मल तो कहेगा नहीं, क्योंकि हम डिसेबल हैं तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा हम डिसेबल हैं। कोई कहेगा उस बात का हम माइंड नहीं करते। स्टंट वगैरह मैं काफ़ी सारा कर लेता हूँ, आगे वाला टायर उतार के कर लेता हूँ और हाथ छोड़ के ऊपर खड़े भी हो सकता हूँ और गोल तरीके से घुमा भी सकता हूँ। जी ये सीन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे कि पिछले हफ्ते को मैं जा रहा था, स्टंट कर रहा था विलिंग में, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और काफ़ी बुरी तरीके से मारा भी है। तो उन्होंने आके पहले मुझे गालियाँ निकाली हैं, गाली निकालने के बाद उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जी घर वाले तो कहते हैं कि ये स्टंट वगैरह तो ना किया करो, बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि एक हाथ है तुम्हारा, अगर ये भी कहीं एक्सीडेंट में अगर टूट गया या उतर गया तो फिर क्या करोगे। पर मुझे ये शौक है स्टंट का, तो ये मैं करना चाहता हूँ और ये स्टंट मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस पर मेरा इतना लेवल है और शौक बहुत ज़्यादा है। जी काफ़ी सारे लोग हमें बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे साथ आग पिक्के वगैरह लेते हैं, बहुत अच्छे बिहेव करते हैं। कुछ लोग होते हैं कोई गुजरते हुए थप्पड़ मार जाता है, मतलब विलिंग करते हुए ना गालियाँ वगैरह देख के गुजर जाते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। काफ़ी दिनों सोचा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता था किसी से, किसी वीडियो अपलोड करना चाहता था कोई भी, पर मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा जब मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा था तो पुलिस वालों ने भी यही कहा था मुझसे कि आप कोई ऐसी जगह पर करो जहाँ विलिंग स्टंट वगैरह कर सकें, जहाँ आपको कोई मुश्किल ना हो। तो मैं अगर ट्रैफिक में अगर व्हीलिंग करता हूँ तो उसमें मेरा जो बैलेंस है बहुत ज़्यादा बन जाता है, मतलब ट्रैफिक में अगर गुजरते हैं तो मैं इस चीज़ का पता चलता है यार किस चीज़ से हम टकरा जाएंगे, किस चीज़ से हम बचेंगे। और खाली सड़कों पे या खाली जगह पे हम व्हीलिंग करेंगे तो हमारा कंट्रोल तो नहीं बनेगा, तो इसलिए हम स्टंट सड़कों पर करते हैं। पाकिस्तान में तो जुर्म तो है, पर लेकिन जो स्टंट मैन है जिसको ये चीज़ का शौक है तो वो तो नहीं रुकेगा, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, जेल में डाल देती है, महीने बाद सालों बाद छोड़ देती है। जिस इंसान में शौक है करने का वो तो नहीं रुकेगा। जी मैं अपनी हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे कोई ऐसी जगह बना दे जहाँ हम अपना स्टंट कर सकें, अपना हुनर दिखा सकें और अपना ये शौक पूरा कर सकें। अगर ऐसे हम बाहर सड़कों पर विलिंग करेंगे तो हमें पुलिस वाले रोक टोक करते रहेंगे, ऐसे ही जेल में डालते रहेंगे। मैं अपनी हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ ताकि हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ अपना स्टंट कर सके, अपना हुनर दिखा सके। जी नहीं, जब हमें कोई ऐसी जगह मिल जाएगी या ग्राउंड वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे हम ऐसी कोई पत्थर वगैरह रखेंगे जहाँ पे हमें इस चीज़ का
अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ से गुजरे हैं कहाँ से नहीं। अपनी में तरीकेकार की हम चीज़ें रखेंगे वहाँ पे, पत्थर वगैरह कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें, ताकि हम वहाँ पे जाकर अपना कंट्रोल बना सकें।